हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कंट्री इन माय टेस्ट। आज की वीडियो में मैं बना रही हूँ आम की खट्टी मीठी चटनी, इसे आम का छुंदा भी कहते हैं। ये चटनी बहुत टेस्टी बनती है, इसे अचार की तरह ही खाने के साथ सर्व कर सकते हैं। बच्चों को भी ये बहुत पसंद आती है। और सबसे बड़ी बात, इसे हम बनाकर एक साल तक स्टोर करके रख सकते हैं और यूज कर सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। चटनी बनाने के लिए हमें चाहिए कच्चे आम, जिसे कैरी या आंबी भी कहते हैं। कच्चे आम जब बाजार से लें तो ध्यान दें कि आम मोटे लें, बड़े साइज के लें। जिससे अचार बनाया जाता है वो आम इस चटनी के लिए सबसे बढ़िया रहते हैं। बड़े साइज के जो आम होते हैं वो ज़्यादा जूसी यानी रसीले होते हैं, उनमें रस बहुत ज़्यादा होता है, साथ ही साथ उनमें पल्प भी ज़्यादा होता है। वैसे ये चटनी छोटे आमों से भी बन जाती है, लेकिन बड़े आम हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। यहाँ देखिए, मैंने 300 ग्राम के करीब आम लिए हैं। तो ये कच्चे आमों को पहले अच्छे से धोकर इसको टॉवल से पोंछ लेंगे। इसमें जरा भी पानी हम नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि हम इसे स्टोर करने वाले हैं। तो आमों को अच्छे से हम टॉवल से पोंछ लेंगे, किसी कपड़े से पोंछ लीजिए आप। अब सारे आमों को पोंछ कर छील लेंगे और ग्रेटर की मोटे वाली साइड से इसे ग्रेट कर लेंगे। आम को चारों तरफ से घुमाते हुए कद्दूकस करेंगे। इसे चीनी या गुड़ किसी से भी बना सकते हैं, चीनी गुड़ दोनों मिलाकर भी बना सकते हैं। मीठे की क्वांटिटी हम ऐसे लेंगे कि अगर 300 ग्राम आम है, 100 ग्राम आम गुठली और छिलकों में निकल जाए तो बचे 200 ग्राम। तो जो बचा है आम का, जो हमें ग्रेट करके पल्प निकाला है, उसके ही बराबर हम चीनी या गुड़ लेंगे। और अगर हम दोनों मिला के लेना चाहते हैं तो भी हमें दोनों की क्वांटिटी 200 ग्राम ही रखनी है। अगर आप चटनी में कम मीठा चाहते हैं तो आप 200 ग्राम की जगह 150 ग्राम चीनी रख लीजिए, और अगर ज़्यादा चाहते हैं तो 200 ग्राम से ज़्यादा कर लीजिए, 300 ग्राम रख लीजिए, 250 ग्राम रख लीजिए, ये आपकी चॉइस है। लेकिन अगर आप इस रेशो में बनाते हैं, बराबर बराबर रेशो में बनाते हैं, जो कद्दूकस किए हुए आम के बराबर अगर आप चीनी लेते हैं या गुड़ लेते हैं तो बहुत अच्छा इसमें जो है स्वाद आता है। ये परफेक्ट रेशो मेरे हिसाब से। इस चटनी में पानी डालने की ज़रा भी ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि चीनी अपना पानी खुद ब खुद रिलीज कर देती है। तो चीनी डाल के कद्दूकस के आमों को मैं 15 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देती हूँ। इस तरीके से अगर हम बनाते हैं तो देखिए नेचुरल तरीके से चीनी का पानी रिलीज होता है। और अगर आपके पास रखने का टाइम ना हो तो आप स्लो मीडियम गैस पर चीनी डाल के रख सकती हैं और चीनी अपना पानी छोड़ देगी वहाँ पर भी। पर अगर आप ऐसे बनाएंगी तो नेचुरल तरीके से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और ट्रेडिशनली भी जब बनाया जाता था इसे, तो एक ही जार में, कांच के जार में चीनी, कद्दूकस किया हुआ आम और सारे मसाले डाल के इसे धूप में 8 से 10 दिन के लिए रख दिया जाता था और रोज इसे बीच बीच में हिला दिया जाता था। 8 से 10 दिन में नेचुरल तरीके से बन के तैयार हो जाता था। तो 15 मिनट हो गए हैं। तो ये देखिए कद्दूकस किए हुए आमों में चीनी ने कितना अपना पानी छोड़ दिया है, खुद ब खुद ही इसमें काफ़ी पानी आ गया है। अब हम कढ़ाई को गैस पे रख देंगे और स्लो मीडियम फ्लेम पर हम इसको पकाना शुरू करेंगे। जैसे जैसे चटनी पकेगी इसका कलर चेंज होने लगेगा। पहले व्हाइट था आमों का कलर, अब ये थोड़ा थोड़ा ट्रांसपेरेंट होने लगेगा। कैरी जो है, कच्ची आंबियां जो है, जो कद्दूकस किए हुए आम है, इन्होंने भी अपना जूस छोड़ दिया है। कितना पानी हो गया चटनी में। इसमें कोई प्रिजर्वेटिव डालने की ज़रूरत नहीं क्योंकि चीनी खुद एक प्रिजर्वेटिव का काम करती है। अगर अच्छे से पका लें, जैसे आंवले का मुरब्बा या कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें चीनी को अच्छे से पका लिया जाता है, तो वो जल्दी से ख़राब नहीं होता। आम थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं 5 से 6 मिनट में, तो कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं। 1/2 टेबल स्पून हल्दी, 1/2 टेबल स्पून देगी मिर्च, ये कलर के लिए डाली है मैंने, 1/2 टेबल स्पून नमक। नमक इसमें अभी कम ही डालना है क्योंकि अभी हम और मसाले डालेंगे, जैसे चाट मसाला, उसमें भी नमक होता है। 1/2 टेबल स्पून काला नमक, 1 टेबल स्पून चाट मसाला, और डाल के सबको अच्छे से कर देंगे मिक्स। सारे मसाले को आम के साथ पकने के लिए रख देंगे इसको। अब इतने ये पक रही है, हम एक मसाला बना लेते हैं जो है पंचफोरन मसाला। ये मसाला तो एक है पर इसके फायदे अनेक हैं। मैंने इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बना रखी है, आप उसे देख सकते हैं। तो पंचफोरन मसाला बनाने के लिए मैं ले रही हूँ 1 टेबल स्पून जीरा, 1 टेबल स्पून राई, 1 टेबल स्पून सौंफ, 1 टेबलस्पून कलौंजी और 1/2 टेबलस्पून मेथी दाना। सबको अच्छे से मिला लेंगे। तो सारी चीज़ें पैन में डाल के हम 1 मिनट तक इसे रोस्ट कर लेंगे, जब तक एक अच्छी सी खुशबू आती है, हल्का सा मसाले का कलर चेंज हो जाए। बस इतना हमें रोस्ट करना है, हाई फ्लेम पर हमें इसको रोस्ट नहीं करना है, नहीं तो क्या होगा कि मसाले जल जाएंगे और एक कड़वा सा फ्लेवर ये देगा अगर हम इसको चटनी में डालेंगे तो। इसमें एक अच्छी सी खुशबू आने लगी है और मसाले जो है वो क्रिस्पी भी हो गए, थोड़े कड़क भी हो गए। अब इनको हम ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा बारीक पाउडर नहीं बनाना, हमें इसे दरदरा ही बनाना है। तो हमने ग्राइंड कर लिया है, हमने ये मसाला तैयार करके रख लिया है। तो चटनी चेक कर लेते हैं। तो देखिए चटनी का भी काफ़ी पानी
जो है ख़त्म हो गया है और कलर भी इसका कितना अच्छा आ गया है। जैसे जैसे ये पकती जाती है इसके अंदर एक चमक सी, एक शाइनिंग सी आ जाती है खुद ब खुद ही। तो चटनी को हमें कितना पकाना है ये देखना बहुत ज़रूरी है। चटनी को अगर बहुत ज़्यादा पतला रखेंगे तो वो पकेगी नहीं, कच्ची सी रह जाएगी, और अगर उसे बहुत ज़्यादा पका लेंगे तो चटनी हार्ड हो जाती है, खाई नहीं जाती, खाने में मुश्किल होती है। तो इसको सही कंसिस्टेंसी तक पकाना बहुत ज़रूरी है। तो चटनी पकी है या अभी कच्ची है ये चेक करने के लिए हम ये देखेंगे कि चटनी में जो चीनी हम पका रहे हैं वो एक तार की चाशनी तक पक जानी चाहिए। इस तरीके से देखिए, जब हम चेक कर रहे हैं तो चीनी की एक तार की चाशनी बन रही है, तो इसका मतलब चटनी बिल्कुल सही पकी है, बहुत ज़्यादा पतली नहीं है, बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं है। अगर आपको लगता है कि चटनी थोड़ी पतली है तो आप उसे और पका लें, और ये चटनी बनने के बाद भी गाढ़ी होती है। ये पतली ये देखने में लग रही है, बनने के बाद ये थोड़ी गाढ़ी भी होगी। तो एक तार की चाशनी हमारी चटनी की बन गई है, तो इसका मतलब हमारी चटनी पक गई है। गैस बंद कर देते हैं। अब हम डालेंगे यहाँ पंचफोरन मसाला। यहाँ एक टेबलस्पून पंचफोरन मसाला डाल रही हूँ मैं। अगर आपके पास ये मसाला नहीं है तो आप गरम मसाला भी इसमें डाल सकती हैं। तो पंचफोरन मसाले की जगह एक टेबलस्पून गरम मसाला डाल सकते हैं। और देखिए, तो गैस बंद कर देते हैं और ये मसाला डाल देते हैं। पहले भी आप डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाद में भी डाल सकते। और ये मसाला गरम गरम चटनी में ही डालना है ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए, ठंडी चटनी में हमें ये मसाला नहीं डालना। ये मसाला मैं बाद में इसलिए भी डाल के बता रही हूँ गैस बंद करने के बाद, कि अगर आपके पास उस टाइम ये मसाला नहीं बन पाता है तो अगले दिन भी आप मसाला बना के और चटनी को गर्म करके आप उसमें मिक्स कर सकती हैं। आप चाहे तो हाफ टी स्पून इलायची का पाउडर इसमें फ्लेवर के लिए डाल सकती हैं, लेकिन मुझे तो ये ऐसे ही बहुत अच्छी लगती है। इस चटनी को कम मसालों से भी बनाया जा सकता है, लेकिन इन मसालों के डालने से इस चटनी का स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। अब चटनी को ठंडा कर लेते हैं। चटनी तैयार है, देखिए इस तरीके से, बिल्कुल ना पतली है ना गाढ़ी है। अब एक कांच के बॉटल में भर के इसे एक साल तक बड़ी आसानी से यूज़ कर सकते हैं। इसे सफ़र में ले जा सकते हैं, ब्रेड पर भी इसे लगा के खा सकते हैं, पराठे पूरी चपाती के साथ खा सकते हैं। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाएं और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए।